हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह का टाइम हो रहा है, नहा चुकी हूँ, घर की सफाई हो चुकी है, सारा काम हो चुका है और अभी आज की पूजा को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की पूजा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं मंदिर में आ चुकी हूँ और लास्ट वीडियो जो थी आप लोगों ने देख ही ली थी और मैंने सारा काम पहले से फिनिश करके रख दिया था। तो अभी आज का जो काम है सिर्फ पूजा का ही रह जाता है, क्योंकि बाकी सारी जो तैयारी थी वो मैंने पहले से ही कर ली थी। तो अभी मैं माता रानी को तिलक लगाऊंगी और मैं जो नॉर्मल सिंदूर रहता है ना, एकदम जो पैकेट वाला सिंदूर आता है, वो एकदम ओरिजिनल आता है, उसी का जो तिलक है मैं वो लगाती हूँ और ख़ुद भी उसी का तिलक लगाती हूँ। बहुत देर तक छूटता भी नहीं है और अच्छा होता है। जो आजकल रेडीमेड वाले आ रहे हैं डब्बी वाले, वो तो इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दीपक जला दिया है, छोटा वाला दीपक भी जला दिया है और जो अखंड ज्योत होती है वो भी मैंने जगा दी है। और जो हमारी अखंड ज्योत है वो पूरे 9 दिन तक चलेगी और ये जो छोटा वाला दीपक होता है वो हम डेली सुबह और शाम जलाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सभी लोगों के घर में ऐसे ही होता है, सबके रीति रिवाज लगभग एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। तो धूप और दीपक जलाकर हम माता रानी की आराधना करते हैं कि माता रानी सभी को खुश रखे, सभी के घर में बरकत करे, सबके बच्चों को खुश रखे और बच्चों को सद्बुद्धि दे। तो सभी इसी टाइप की जो मनोकामना है वो मांगते हैं अपने लिए, अपने जो हमारे बहुत नज़दीक वाले होते हैं उनके लिए, सभी के लिए मतलब दुआएं मांगते ही हैं। और माता रानी अगर सच्चे मन से दुआ मांगी भी होती है तो उनको पूरा करती ही करती है, वो तो सबको पता ही है कि माता रानी के यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और वो ना ही देने में कमी रखती है। तो यहाँ पर मैं माता रानी का भी श्रृंगार कर रही हूँ, श्रृंगार का सामान भी मैं कल ही लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने माता रानी को अभी चूड़ियाँ पहना दी हैं, सिंदूर का तिलक लगा दिया है, बिंदी लगा रही हूँ और मेहंदी और काजल ये इस और कोम्ब वगैरह जो भी है, मिरर, उनकी चुन्नी। तो जैसे हम लोग अपना श्रृंगार करते हैं, क्योंकि पूजा में बैठने से पहले एक सुहागिन जो लेडी होती है उसको अच्छे से अपना अच्छे से रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए माता रानी को कि मैंने सब कुछ दिया है, उसके बाद भी इन्होंने अपनी कंडीशन वैसी ही बनाकर रखी है। तो अच्छे से तैयार होकर ही पूजा करनी चाहिए, नहा धोकर। और सिंदूर तो ज़रूर, सिंदूर का तिलक लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से हम सिंदूर को यूज़ कर सकते हैं। चूड़ियाँ पहनना, खाली हाथ भी कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो मैं वही कर रही थी, माता रानी का श्रृंगार कर रही थी। और यहाँ पर जो अंगारी है वो मैंने पहले से करके रखी थी, जो ये अंगारी होती है गाय के गोबर से बनाई जाती है, मैंने पहले ही कई दिन पहले इसको बना कर रख दिया था, सूख गया। फिर उसके बाद सुखाने के बाद हम इसको जलाकर पहले ही रख देते हैं, जिससे कि धुआं बहुत ज़्यादा ना आए। फिर जब धुआं ख़त्म हो जाता है तो इसके ऊपर मैंने कल सामग्री को भी रात को ही मैंने तैयार करके रख लिया था, घी वगैरह इसमें पहले से मिक्स करके रख दिया था। तो ऐसी कटोरी में मैं इसको लगाऊंगी और जब ये ठंडी हो जाएगी बाद में तो फिर इसी पॉट में मैं इसको नीचे कलेक्ट कर लूँगी सारा एक साथ, और बाद में लास्ट डे में ये सारी चीज़ें चली जाएगी, फिर प्रवाहित कर दी जाती है। तो मैं इसमें घी भी ऐड कर देती हूँ थोड़ा, और इससे तो बहुत ज़्यादा अपने घर में बरकत और हर चीज़ की मनोकामना पूरी होती है। अंगारी करनी चाहिए, और अंगारी में हम लोग क्या करते हैं, लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं, इलायची और
सुपारी वगैरह चढ़ाते हैं, उससे क्या होती है कि माता की भेंट लगती है। तो जो पूजा है वो लगभग हमारी समाप्त हो चुकी है और अभी मैं जल दे दूंगी बाहर तुलसी जी में। तो अभी जल लेकर चलते हैं और थोड़ा सा मैं आप लोगों को मंदिर दिखा देती हूँ। मेरी माता रानी कैसी लग रही है आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और ये देखिए अंगारी जो होती है वो इस टाइप से रहती है और इसकी जो खुशबू होती है ना पूरे घर में इतने अच्छे से महक जाती है कि इसकी खुशबू के साथ ही एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। अगर आप लोग नहीं करते तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, अंगारी करके उस पर सामग्री वगैरह डाल के मन से सच्चे मन से जो काम करते हैं उसके एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। तो ये देखिए मैंने माता रानी को श्रृंगार कुछ इस तरीके से चढ़ा दिया है और ज्योत जलती भी देखते हैं तो मन को कितनी ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है मुझे तो। और ये है मेरी अखंड ज्योत, देखो कितनी अच्छे से जगाई जा रही है क्योंकि इसकी बाती मैंने बहुत अच्छे से बनाई थी। और ये है मेरी बड़ी वाली माता, वो तो आप लोगों ने काफ़ी टाइम तक देखी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और किट्टू भी ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी के घर में बहुत खुशियां दे, बरकत दे, सबको एक अच्छा सा जीवन और स्वस्थ जीवन दे, सबके बच्चों को खुश रखें। तो आज नवरात्रों का पहला दिन है और अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं तो मैं सुबह की जो पूजा है सब कुछ मतलब काम फिनिश कर चुकी हूँ। और मैंने तो आज फास्ट नहीं रखा है लेकिन मैं लास्ट के जो 2 नवरात्रि होते हैं उनका फास्ट रख लूँगी। बट मम्मी ने फास्ट रखा है, वैसे तो हमेशा मैं भी रखती थी लेकिन इस बार मैंने नहीं रखा क्योंकि वही वाली प्रॉब्लम कि मैं मतलब अभी ऑपरेशन हुआ है ना तो खाने पीने का उतना नहीं है क्योंकि अगर मैंने फास्ट रख लिया तो मुझे हैवी ही खाना पड़ेगा, ऑयली खाना पड़ेगा और उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बार मैं नहीं रख रही हूँ, मम्मी रखेंगी।
खाना खा चुके हैं और घर का सारा काम फिनिश हो चुका है, क्योंकि जब फास्ट होता है तो जल्दी ही खाना हो जाता है, क्योंकि फिर मम्मी का भी काम जल्दी फिनिश हो जाए और सबका काम जल्दी फिनिश हो जाता है, तो इस वजह से ये हुआ है। तो चलिए आज का जो है ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। की वजह से आज मैंने सूट पहन लिया था और अब मैं इसको चेंज कर लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइट फील हो रहा है। यहाँ पे दिक्कत होती है जब टाइट टाइट फील होता है ना, तो इस वजह से मैं इसको कर लूँगी चेंज और सिंपल से जो लूज लूज से कपड़े हैं वो पहन लूँगी। और उसके बाद जो है आज का जो काम रहेगा, शाम का रहता है ज़्यादा काम नवरात्रों में या फिर किसी भी फास्ट में, शाम का काम ज़्यादा रहता है, तो आज जो भी काम करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ब्लॉग पता नहीं कब तक जाएगा, या तो कल जाएगा या आप लोगों के पास, या फिर ये जाएगा आप लोगों के पास आज रात को, मतलब शाम को 8 बजे के आसपास। तो देखती हूँ जब भी टाइम रहेगा मेरे को, मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो देखो मेरा फेस बिल्कुल रेड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर ये ऑरेंज कलर है, तो जहाँ भी ऑरेंज कलर होता है ना वहाँ पर यही इसी टाइप की शाइनिंग सी आती है फेस पर। तो चलिए अभी मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं